चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, किदड़ा तो मैं शेर बनाऊं, 1,25,000 से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आज हम डिस्कस करेंगे सिखिज्म के 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, जिन्होंने दूसरों के लिए, धर्म के लिए अपनी फैमिली, अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए। इससे पहले हमने फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म एंड फाउंडर ऑफ सिखिज्म गुरु नानक देव जी के बारे में डिस्कस किया था, जिन्होंने 28,000 किलोमीटर पैदल चल के अपनी लर्निंग्स को स्प्रेड किया, 5 डॉसिस पूरी करी। फिर हमने गुरु अंगद देव जी के बारे में डिस्कस किया, जिन्होंने गुरुमुखी की शुरुआत करी और लंगर शुरू किया। फिर हमने गुरु अमरदास जी के बारे में डिस्कस किया, जिन्होंने विडो रीमैरिज को बढ़ाया, विमेन को बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन दी, लंगर सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और भेदभाव खत्म किया। अगर किसी को मिलना होता था तो पहले लंगर करो, सबके साथ मिलके फिर गुरुजी से मिलो। फिर हमने गुरु रामदास जी के बारे में डिस्कस किया, जिन्होंने अमृतसर सिटी को डिस्कवर करा था। फिर हमने डिस्कस किया गुरु अर्जन देव जी के बारे में, जिन्होंने हरमंदिर साहिब AKA गोल्डन टेम्पल बनवाया, आदि ग्रंथ की स्थापना करी और हरमंदिर साहिब में इंस्टॉल किया। गुरु अर्जन देव जी सिखों के पहले गुरु थे जिन्हें शहीदी मिली थी। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को बुलाया और बंदी बनाया था, 5 दिन तक टॉर्चर किया। फिर हमने डिस्कस किया गुरु हरगोबिंद जी के बारे में, जिन्होंने अपने पिताजी, गुरुजी, गुरु अर्जन देव जी की बात मानी और मिलिट्राइजेशन स्टार्ट करी। उन्होंने भक्ति के साथ साथ शक्ति का भी रास्ता चलाया और सेल्फ डिफेंस के लिए आर्मी बनाई और लोगों की मदद करी। 52 पैनल चोला सिलवाया, जिससे उन्होंने 52 राजाओं को जहांगीर की कैद से छुड़वाया। इनके बाद गुरु हर राय जी आए, उन्होंने पूरे सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया और सिखिज्म एक्सपेंड किया। फिर गुरु हरकृष्ण जी के बारे में डिस्कस किया, जो सिखिज्म के यंगेस्ट गुरु बने। 5 साल की उम्र में ही गद्दी प्राप्त हुई और छोटी ही उम्र में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। लोगों को स्मॉल पॉक्स और कोलरा से बचाया, लेकिन उन्हें खुद भी स्मॉल पॉक्स हुआ। और जब उनसे पूछा गया कि अगला गुरु कौन होगा, तब उन्होंने 2 वर्ड्स बोले, बाबा बकाला। अब उस टाइम बकाला विलेज में गुरु तेग बहादुर जी थे। और अगले गुरु गुरु तेग बहादुर जी के बारे में हमने डिस्कस किया, जिन्हें हिंद दी चादर से रिप्रेजेंट किया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी ने दूसरों के लिए अपनी लाइफ कुर्बान करी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी के साथी भाई सत्तीदास जी, भाई मत्तीदास जी और भाई दयाला जी को गुरु तेग बहादुर जी की आंखों के सामने ही शहीद कर दिया। आखिरी दम तक किसी ने भी अपना धर्म नहीं छोड़ा और इनके बाद गुरु तेग बहादुर जी का चांदनी चौक पर शीश काट दिया। अनंतपुर छोड़ने से पहले ही गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु गोविंद सिंह जी को गुरु गद्दी दे दी थी। और आज गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 को पटना में हुआ था, जब गुरु तेग बहादुर जी और उनकी फैमिली पूरे इंडिया में सिखिज्म को एक्सपेंड कर रहे थे, लर्निंग स्प्रेड कर रहे थे। तभी माता गुजरी और माता नानकी जी को पटना में छोड़ के गुरु तेग बहादुर जी बांग्लादेश वाली साइड चले गए थे। तभी 1666 में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन का नाम गोविंद राय था। गुरु गोविंद सिंह जी एक डिवाइन मैसेंजर, वॉरियर, पोएट और फिलोसफर थे। 1670 में गुरु तेग बहादुर जी वापिस आए और सभी फिर अनंतपुर साहिब के लिए निकल गए। 1672 में अनंतपुर साहिब पहुंचे और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी पढ़ाई शुरू करी। उन्होंने गुरुमुखी, ब्रज और संस्कृत लैंग्वेजेस सीखी। गुरु गोविंद सिंह जी अपने पगड़ी पर कलगी लगाते थे, अपने दादाजी गुरु हरगोबिंद जी की तरह, और तब से उनका नाम पड़ा कलगीधर पातशाह। अर्ली 1675 कुछ कश्मीरी ब्राह्मण पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उन्होंने औरंगजेब के बारे में बताया। औरंगजेब जबरदस्ती छोटी पोस्ट के हिंदुओं को हटा के मुस्लिम रख रहा था, फोर्सली लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा था, मंदिर तोड़वाने लगा और गुरुद्वारे तोड़ने का भी ऑर्डर दिया। इन सब को देख के गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि जाके औरंगजेब से कहो कि अगर वो मुझे इस्लाम में कन्वर्ट कर सकता है तो मैं खुशी खुशी कन्वर्ट हो जाऊंगा। और जब गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली गए तो उनके सामने ही उनके साथियों को शहीद किया और गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट दिया। बड़ी हिम्मत से भाई जेठा जी गुरु तेग बहादुर जी के शीश को कपड़े में छुपा कर वहां से लेके आए अनंतपुर साहिब में, और गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई जेठा को गले से लगाया और कहा, रंगरेटा, गुरु का बेटा। ये सब देखने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी को समझ आ गया था कि क्या होने वाला है और पहले ही उन्होंने सोच लिया था कि उनका रास्ता कैसा होगा। गुरु गोविंद सिंह जी बहुत बड़े महादानी थे, सबकी मदद करते थे। 13 साल की उम्र में ही गुरु बन गए थे, लेकिन फिर भी पढ़ाई अपनी जारी रखी। उन्होंने ट्रेनिंग्स ली तलवार चलाने की और बहुत मार्शल ट्रेनिंग्स ली, तो सिख्स ने बहुत अच्छे से चीजें हैंडल करी और लोग बहुत ज्यादा जुड़ने लगे सिखिज्म से। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई परेशान करता था किसी को, तो वे मुगलों के पास जाने की बजाय सिख्स के पास जाते थे। वैसे तो परेशान करने वाले भी मुगल ही होते थे, और ये सब सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं करते थे, बल्कि मुस्लिम्स के लिए भी करते थे, सबकी मदद करते थे।
30 मार्च 1699 बैसाखी के दिन सभी सिख आनंदपुर साहिब में इकट्ठा हुए और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने एक हाथ में तलवार पकड़ी और कहा, मुझे एक सर चाहिए, कौन है जो मुझे अपना सर देगा। सभी वहां पे शॉक हो गए और वहां सारी जगह शांति हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने दोबारा पूछा, कौन है जो मुझे अपना सर देगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने तीसरी बार पूछा, कौन है जो मुझे अपना सर देगा। तब दयाराम एक खत्री लाहौर के वो सामने आए। गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें अंदर टेंट में ले गए। गुरु गोविंद सिंह जी बाहर आए, उनकी तलवार पर खून लगा था और टपक रहा था। लोग वहां डरने लगे और शॉक हो गए। सेम प्रोसेस गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर रिपीट किया। दो बार बुलाने पे कोई नहीं आया और तीसरी बार कहने पर धर्मदास एक जट दिल्ली का वो सामने आया। गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें टेंट में ले गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर से रिपीट किया ये प्रोसेस और फिर मोखम चंद एक टेलर द्वारका का वह सामने आए। गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें टेंट में ले गए। चौथी बार हिम्मत चंद एक कुक जगन्नाथपुरी के सामने आए। कुछ लोग डर के भागने लगे। पांचवी बार साहिब चंद एक बार्बर बिदार के सामने आए और गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें भी ले गए। थोड़े टाइम बाद गुरु गोविंद सिंह जी बाहर आए और वही पांच सिख भी साथ थे। पांचों सिख ने केसरी रंग के कपड़े पहने हुए थे, पांचों के हाथ में तलवार थी। तब उन्होंने कहा कि ये एक परीक्षा थी और गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें अपने पांच प्यारे कहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने पांच प्यारों को अमृत छकाया और उन्हें सिंह बनाया। दयाराम दया सिंह बने, धर्मदास धर्म सिंह बने, मोखम चंद मोखम सिंह बने, हिम्मत चंद हिम्मत सिंह बने और साहिब चंद साहिब सिंह बने और उन्हें एज सुप्रीम लिबरेटेड वंस एंड प्योर वंस कहते हुए खालसा कहा और इस तरह से खालसा बने। इनके साथ साथ पंज केज का ट्रेडिशन स्टार्ट किया जिसमें खालसा को अपने पास रखना ही रखना था। सबसे पहले केश आपको बाल बढ़ाने होंगे क्योंकि ये सिंबल है कि भगवान ने आपको जो चीज दी है आप उसे नहीं काटेंगे, ये नेचुरल है। सेकंड इज कंघा, बालों को संवारने के लिए वुडन कॉम्ब यूज करेंगे, ये सिंबल है क्लीनलीनेस का। थर्ड इज कड़ा, लोहे का जो कड़ा है वो पहनना है, ये सिंबल है डेडिकेशन टू द डिवाइन ब्राइड ग्रूम। फोर्थ इज कृपान, एक डैगर और स्वॉर्ड जो हमारी रक्षा करे, ये सिंबल है डिग्निटी पावर और अनकंकरेबल स्पिरिट का। फिफ्थ इज कशेरा, शॉर्ट्स टू इंडिकेट विशियस कैरेक्टर। इसके साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने कोड ऑफ कंडक्ट भी एस्टेब्लिश किया था कि खालसा को कम से कम ये तो फॉलो करना ही है, इसके साथ साथ कोई भी टोबैको या अल्कोहल यूज नहीं करेगा, कोई भी हलाल मीट नहीं खाएगा, बाल नहीं काटने, एडल्ट्री से परहेज करेंगे। तो मतलब एक वेल डिसिप्लिन आर्मी बन गई थी खालसा। जब भी कोई मुसीबत आती थी तो खालसा पंथ हमेशा खड़ा होता था लोगों की मदद करने के लिए। तो जिस तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने पंज प्यारे सजाए और उन्हें अमृत छकाया, उसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने हाथ जोड़ के पंज प्यारों के सामने कहा कि मुझे भी इसी तरह बैप्टाइज कर दो और उस दिन से गोविंद राय जी बने गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी की थ्री वाइफ थी, माता जीतो, माता साहिब कौर और माता साहिब देवन। माता जीतो से हुए जुजार सिंह जी, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी और माता साहिब कौर से होते हैं अजीत सिंह जी जो सबसे बड़े बेटे होते हैं। तो वैसे ही सिखिज्म एक्सपेंड हो रहा था, अब तो एक वेल ट्रेन्ड आर्मी बन गई थी, अब एक ऑफिशियली आर्मी बन गई थी जिसे लोग सपोर्ट करने लगे थे और लोगों के डोनेशंस भी जाने लगे। दूर दूर से लोग आते थे और डोनेट करते थे। तो जो शिवालिक हिल्स के जो राजा थे उन्हें बहुत प्रॉब्लम होने लगी और उन्होंने औरंगजेब से कंप्लेन करी कि बहुत दिक्कत हो रही है। अब जो राजा थे ये ही चाहते थे कि उनका डोमिनेशन बना रहे और वो लोगों को परेशान करते रहे, लेकिन अब जब किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो सीधा जाते थे गुरु गोविंद सिंह जी के पास। इसके बाद मुगल और शिवालिक हिल्स के राजाओं की आर्मी ने अपनी आर्मी कंबाइन करी और खालसा पंथ पे हमले शुरू कर दिए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की आर्मी थी वेल ट्रेन्ड, तो मैक्सिमम वॉर्स गुरु गोविंद सिंह जी ने ही जीती थी। और जो वॉर्स नहीं जीत पाए उसके पीछे के रीजन ये थे कि मुगलों ने बहुत गलत चाल चली थी, मुगलों ने बहुत कायर अटैक किए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने टोटल 13 वॉर्स लड़ी थी मुगल और शिवालिक हिल्स के राजाओं से। 1700 से 1701 तक लड़ी गई थी बैटल ऑफ आनंदपुर, जिसमें औरंगजेब ने पेंदे खान को भेजा था 10,000 सोल्जर्स के साथ और गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ही तीर से पेंदे खान को खत्म किया। तीर सीधा पेंदे खान के कान में से निकला। गाइज यहाँ पे मैं पर्सनली आपको एक मूवी रिकमेंड करूंगा, चार साहिबजादे। इसमें आपको पता चलेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार से कैसे बिछड़े थे, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे अजीत सिंह और जुजार सिंह किस तरह से लड़े थे मुगलों से। बैटल ऑफ आनंदपुर सिखों ने जीती, लेकिन उसके बाद मिल के धोखेधड़ी से मुगलों ने आनंदपुर को सीज कर दिया और सप्लाई रोक दिया। तो सभी सिख आनंदपुर किले
में कैद हो गए और गुरु गोबिंद सिंह जी भी साथ थे और वहाँ प्रॉब्लम हुई। तो वहाँ एक एग्रीमेंट हुआ, गुरु गोबिंद सिंह जी से ये बोला गया कि आनंदपुर छोड़ दो और हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको हम सेफ पैसेज दे रहे हैं। वैसे तो गुरु गोबिंद सिंह जी की आर्मी मुगलों से लड़ सकती थी, लेकिन वहाँ पे और लोग भी थे तो उनकी सेफ्टी के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर छोड़ा। और जब वहाँ से निकले तो रास्ते में ही मुगलों ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी फैमिली से बिछड़ गए। दो बच्चे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी और माता गुजरी जी अलग हो गई और बाकी दो बच्चे अजीत सिंह जी और जुजार सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ थे। इसके बाद औरंगजेब ने वजीर खान को बोला कि कुछ करो और फिर सबसे बड़ी बैटल हुई, बैटल ऑफ चमकौर 1704 दिसंबर में। भाई बुद्धि सिंह की हवेली में गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके साथ सिख्स ने शरण ली थी और 10 लाख मुगलों ने उस किले को घेर लिया था। तो गुरु गोबिंद सिंह जी को कहा गया कि आप यहां से निकलें। गुरु गोबिंद सिंह जी के पास 40 सिख थे, दो उनके बेटे भी थे। गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाहर नहीं आए, तीर बाहर आए, जिससे मुगलों को पता चल गया कि यहां पर लड़ाई होगी। फिर अजीत सिंह जी ने और जुजार सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी से परमिशन मांगी कि हमें इस बैटल में शामिल होना है और गुरु गोबिंद सिंह जी ने परमिशन दे दी। और उसके बाद दोनों हाथों में तलवार लेके 18 साल के अजीत सिंह जी ने मुगलों की हालत खराब कर दी। उस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने 40 सिखों को 10 लाख मुगलों से लड़वाया, एक सिख को 1.25 लाख के बराबर बनाया। उस बैटल में गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े बेटे अजीत सिंह जी और उनसे छोटे जुजार सिंह जी जो 13 साल के थे उनको शहीदी मिली और बाकी 40 सिख को भी शहीदी मिली। दूसरी साइड वजीर खान ने पूरी कोशिश करी 8 साल के जोरावर सिंह जी और 5 साल के फतेह सिंह जी को डराने की। वजीर खान ने यहाँ इस्लाम में कन्वर्ट होने को कहा, लेकिन ये दोनों गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी एक सवाल के 20 जवाब देके वजीर खान का मुंह बंद करा। वजीर खान ने बहुत कोशिश करी कि दोनों साहिबजादों को इस्लाम में कन्वर्ट कर सके, लेकिन वो नाकामयाब रहा और वजीर खान ने गुस्से में आके दोनों साहिबजादों को जिंदा चुनवा दिया सरहंद में और दोनों साहिबजादों को शहीदी मिली। और जब पता चला, माता गुजरी भी कोलैप्स हो गई और उन्हें भी समाधि प्राप्त हुई। दमदमा साहिब में जब गुरु गोबिंद सिंह जी से बच्चों की माता जी ने उनके बेटों के बारे में पूछा, तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने जवाब दिया, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। उसके बाद बैटल्स जारी रहती हैं, औरंगजेब पे अटैक जारी रहते हैं और 1707 में जब औरंगजेब मरता है उसके बाद उनके बेटों में गद्दी के लिए सिविल वॉर होती है। अब जो उसका सक्सेसर था बहादुर शाह, वो गुरु गोबिंद सिंह जी से दोस्ती करना चाहता था और वो कोशिश कर रहा था कि ये झगड़ा खत्म हो, लेकिन इससे पहले कुछ हो वजीर खान दो लोगों को भेजता है गुरु गोबिंद सिंह जी को मारने के लिए। दो अफगान होते हैं जमशेद खान और वासिल बेग। वही दो अफगान गुरु गोबिंद सिंह जी को फॉलो करते हैं और एक दिन जब गुरु गोबिंद सिंह जी टेंट में रेस्ट कर रहे होते हैं, वहां पे धोखे से ये दोनों घुस के गुरु गोबिंद सिंह जी पर अटैक करते हैं और उन्हें घायल कर देते हैं। और घाव बहुत ज्यादा गहरे थे तो गुरु गोबिंद सिंह जी को 7 अक्टूबर 1708 में वहीं पे नांदेड़ में महासमाधि प्राप्त हुई। I hope you guys like this video. If you are new to this channel, then please subscribe and hit the bell icon to get the instant notifications. See you guys in the next one. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh.